नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर इस तरह का नेविगेशन ड्रॉवर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊं इस तरह का नेविगेशन ड्रॉवर आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखे दोस्तों मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्ट क्रिएशन आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे दिखा देते हैं दोस्तों, ये वाला बना के आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया जाता है, ये वाला बॉटम नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी, ये वाला आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो आप लोगों को सारा चीज यहाँ पे बना के दे देता है। लेकिन दोस्तों इसको कस्टमाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे खुद से एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे और दोस्तों यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दे देंगे नेविगेशन ऐप और दोस्तों यहाँ पे 5.0 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो ये दोस्तों हमारा मेन एक्टिविटी हो गया, ये एक्टिविटी स्लैश मेन डॉट एग्जाम्पल हो गया। इसके अंदर भी दोस्तों हम लोग कोड करेंगे। तो हम लोग जैसे कि आप लोगों को बताया, सबसे पहले दोस्तों हम लोग लेआउट फाइल को डिजाइन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक्टिविटी मेन में यहाँ पे सारा चीज़ को इंपोर्ट इंक्लूड करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जावा फाइल के अंदर कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेआउट डिजाइन करने के लिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग रिसोर्स के अंदर जाएंगे, लेआउट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे फिलहाल के लिए हमारा एक्टिविटी स्लैश मेन डॉट एग्जाम्पल एक ही लेआउट है। तो इसके अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों न्यू राइट क्लिक करके न्यू यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे एक लेआउट फाइल बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे हम लोग टूल बार लेआउट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे टूल बार लेआउट और ओके पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा लेआउट फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसका कहाँ पे यूज होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे इसका जो हम लोगों को यूज होगा यहाँ पे टॉप में यूज होगा। इस पर दोस्तों यहाँ पर आप लोग जैसे देखते हैं मेन्यू आइकन रहता है, इस पर क्लिक करता है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का नेविगेशन ड्रॉवर यहाँ पे खुल के आएगा। तो ये दोस्तों हम लोग इसके अंदर डिजाइन करेंगे। तो इसके अंदर डिजाइन करने के लिए इसके हम लोग कोड में चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखें कंस्टेंट लेआउट यूज हुआ। तो दोस्तों हम लोग इसको सबसे पहले इसको हम लोग लीनियर लेआउट में यहाँ पे कर लेंगे। तो दो बार LL टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सजेशन मिल जाएगा लीनियर लेआउट का। तो यहाँ पे आप लोग लीनियर लेआउट को यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग हाइट जो है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे रैप कंटेंट कर देंगे। रैप कंटेंट हो गया। अब दोस्तों ये इसके अंदर दो तीन हम लोग चीज़ यूज करेंगे, जैसे दोस्तों ओरिएंटेशन हो गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं लेयर लेआउट का यूज करने के लिए दोस्तों हम लोगों को ओरिएंटेशन देना होता है, यहाँ पे हम लोग दे देंगे हॉरिजेंटल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को ग्रेविटी यूज करना होगा, लेआउट ग्रेविटी या ग्रेविटी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेआउट ग्रेविटी यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कर लेंगे सेंटर वर्टिकल। यहाँ पर दोस्तों आप लोग ग्रेविटी ही यूज कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लेआउट को हटाते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग ग्रेविटी देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को यूज करना है पैडिंग। इसको पैडिंग आप लोग दे सकते हैं अपने मन से 10 dp 12 dp। तो यहाँ पे मैं 12 dp यहाँ पे इस तरीके से हम लोग पैडिंग दे देते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक आइकन चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक इमेज व्यू बनाएंगे। तो इमेज व्यू इस तरीके से इमेज व्यू, इसका साइज वगैरह हम लोग यहाँ पर रैप कंटेंट कर देंगे। तो रैप कंटेंट टैब बटन प्रेस करेंगे रैप कंटेंट। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसका जो हम लोग ऑन क्लिक यहाँ पे हम लोग करवा लेंगे। ऑन क्लिक इसलिए करवा लेंगे ताकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे जावा फाइल के अंदर यूज कर पाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्लिक मेनू दे देते हैं, इसका नाम क्लिक मेनू इस तरीके से कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको SRC देंगे। SRC के अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे आइकन सेट करने वाले हैं। तो आइकन सेट करने के दोस्तों हमारे पास आइकन तो रहना चाहिए। इसके लिए दोस्तों हम लोग ड्रॉवर के अंदर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों वेक्टर एसेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग आइकन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सर्च करेंगे मेनू, तो ये हमारा आइकन हो गया। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा ग्रे कलर का कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 34 इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक बार इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, आइकन मेनू ही सिर्फ रहने देते हैं इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे फिनिश बटन पे यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग आइकन IC आइकन मेनू इसको हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं,
और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट व्यू बनाते हैं एप्लीकेशन का नाम लिखने के लिए। तो यहाँ पे टेस्ट व्यू हमारा आ गया। इसका हम लोग साइज देंगे 0 dp विथ, उसके बाद दोस्तों हम लोग हाइट दे देंगे रैप कंटेंट इस तरीके से। उसके अंदर दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे टेस्ट भी रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं टेस्ट। इसके अंदर दोस्तों हम लोग अपना एप्लीकेशन का नाम दे देंगे, ऐप नेम दे देते हैं इस तरीके से। दोस्तों आप लोग यहाँ पे इतना चीज़ दे देंगे, यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेव ऐप इस तरीके से हम लोग शॉर्ट में दे देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। तो अभी आप लोग देखेंगे इस तरीके से ये हमारा हो गया, रैप कंटेंट हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम टेस्ट साइज 20 sp, टेस्ट अलाइनमेंट सेंटर, टेस्ट स्टाइल बॉल और कलर ये इस तरीके से थोड़ा ग्रे कलर का हो गया। इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ बनाते हैं जो कि दोस्तों हमारा इस साइड में रहेगा, वो रहेगा दोस्तों हमारा जो मोर। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशन में देखा होगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों उसका सेटिंग वगैरह बहुत सारा चीज़ यहाँ पे खुलता है। उसके अंदर ज़्यादा हम लोग कोड नहीं करेंगे, सिर्फ दोस्तों हम लोग यहाँ पे बना के छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यूज करना होगा तो आप लोग करेंगे। यहाँ पे उसी इमेज व्यू को दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे रैप कंटेंट और रैप कंटेंट इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देंगे। और इसके लिए दोस्तों हमारा आइकन भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वेक्टर एसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग फिर से यहाँ पे ये वाला हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला आप लोग मोर सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग ओके पे क्लिक करना। इसका भी साइज दोस्तों आप लोगों को 34 कर देना और कलर ये ग्रे रहेगा तो ठीक रहेगा। और नाम आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को चेंज कर लेना, जैसे यहाँ पे मैं मोर कर देता हूँ, ICMOR इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिनिश बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग SRC इसको दे देते हैं और इसको हम लोग मोर कर देंगे। तो इस तरीके से ये भी हमारा यहाँ पे आ गया। और टेस्ट व्यू के अंदर दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ देना, यहाँ पे लेआउट विथ आप लोगों को 1 करना, लेआउट विथ ये वाला इसको आप लोगों को 1 कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग देखेंगे इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे सेटअप हो गया। तो जो हमारा पहला जो लेआउट फाइल था वो यहाँ पे दोस्तों तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे दूसरा लेआउट तैयार करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे फिर से लेआउट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे, लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे फिर से यहाँ पे ड्रॉबल फाइल का नाम देंगे, नेव ड्रॉबर ड्रॉबर लेआउट इस तरीके से कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे नेव ड्रॉबर लेआउट, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके कोड सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे कंस्टेंट लेआउट फिर से आए तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लीनियर लेआउट को कर देंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसको ओरिएंटेशन इस बार हम लोग देंगे वर्टिकल। वर्टिकल इसलिए देंगे ताकि दोस्तों यहाँ पे जितना भी डाटा है इस तरीके से आए हमारा, इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्टिकल दे देंगे। अब इसके नीचे दोस्तों हम लोगों को बहुत सारा चीज़ यहाँ पे डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को एक इमेज व्यू लगा लेना ताकि दोस्तों जब भी हमारा यहाँ पे खुल के आए तो हमारा एप्लीकेशन का एक लोगो खुल के आए या यूज़र का प्रोफाइल आइकन खुल के आए तो ये आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैच पैरेंट, इसका हाइट 120 dp व इसका जो मार्जिन 16 dp दे देंगे। उसका बाद ऑन क्लिक लोगो आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉबल दे देंगे। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे हमारा आइकन नहीं है तो इसको भी हम लोग इम्पोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ड्रॉबर के अंदर जो भी आप लोगों का आइकन है उसको दोस्तों आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये हमारा आइकन यहाँ पे सेट हो गया इस तरीके से। मैंने अपना चैनल का आइकन ही लोगों यहाँ पे सेट कर दिया इस तरीके से हो गया। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसके नीचे कुछ टेक्स्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके नीचे आप लोगों को एक टेस्ट व्यू करना होगा इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने टेस्ट व्यू को यहाँ पे लिख लिया, मैं इसलिए यहाँ पे जल्दी लिख रहा हूँ ताकि दोस्तों यहाँ पे यह जो नेविगेशन ड्रॉबर है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को टाइप करके नहीं दिखाता हूँ, सीधा यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैच पर एंड रैप कंटेंट टेस्ट आप लोग जो चाहना चाहते हैं, इसका साइज बॉल्ड ये सब तो आप लोग जानते हैं, इस तरीके से आप लोग कर देंगे। इसके नीचे अगर आप लोगों को यहाँ पे एक लाइन देना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए एक व्यू बनाना है इस तरीके का, आप लोग देखेंगे इस तरीके का आप लोगों को यहाँ पे व्यू लिखना है। मैच पर इसका जो हाइट है 1 dp देंगे, मार्जिन टॉप 16 dp, बॉटम 16 dp, बैकग्राउंड कलर आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे ग्रे कलर का यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हो गया। इसके नीचे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लीनियर लेआउट का यूज करेंगे ताकि दोस्तों यहाँ पे जो भी हमारा जैसे होम, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो होम हो गया,
डैशबोर्ड हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, माय ऑर्डर हो गया, जो भी आप लोग यहाँ पे एक्टिविटी बनाना चाहते हैं, नेविगेशन ड्रॉवर के जो भी आप लोग आइटम रखना चाहते हैं, ये दोस्तों आप लोग इस लीनियर लेआउट के अंदर करना है। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये जो लीनियर लेआउट है दोस्तों, ये हम लोगों ने यहाँ पे एक होम आइटम बनाएंगे, तो होम एक्टिविटी बनाएंगे उसके लिए है। तो इसका जो आप लोग साइज देंगे, रैप कंटेंट आप लोग दे सकते हैं, रैप कंटेंट, इसका ओरिएंटेशन हम लोग देंगे वर्टिकल, यहाँ पे ग्रेविटी हम लोग देंगे लेआउट ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मैच पैरेंट कर देना, और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ये ग्रेविटी कर देना, इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन क्लिक भी लगा लेते हैं, ऑन क्लिक, यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्लिक होम, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला लीनियर लेआउट बन के रेडी हो गया। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे जैसे हो गया हमारा आइकन हो गया टेस्ट व्यू, जैसे हमारा यहाँ पे हो गया दोस्तों आइकन हो गया इमेज व्यू, और दोस्तों यहाँ पे हमारा होम लिखा हुआ है, और दो टेस्ट व्यू यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा है टेस्ट व्यू, यहाँ पे लिखा है रैप कंटेंट हाइट, रैप कंटेंट लेआउट विड्थ 1 टेस्ट, यहाँ पे होम पैडिंग 12 dp, लेआउट मार्जिन स्टार्ट 16 dp। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक इमेज भी लगाया रैप कंटेंट 48 dp, और यहाँ पे आई सी होम। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों के पास आइकन भी रहना चाहिए, तो आइकन हमको हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इंपोर्ट किया उसी तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे होम वाला आइकन यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आप लोगों को समझ में आ जाएगा यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं। तो होम वाला आइकन को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, तो ये वाला होम वाला आइकन है, हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग आई सी होम रहने देंगे इस तरीके से होम, और इसका साइज भी आप लोग 34 dp कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिनिश बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये हमारा होम आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लेआउट विड्थ जो है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देंगे 0 dp इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक एरर आया, एरर इसलिए आया ताकि दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने लेआउट का हॉरिजेंटल हम लोगों को करना है इस तरीके से। आप देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा एरर भी यहाँ से ख़त्म हो गया, और ये दोस्तों हमारा साइज भी यहाँ पे इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग करेंगे। अब दोस्तों आप लोग जो काम यहाँ पे किए हैं वो सारा काम आप लोगों को जितना भी आप लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं वो सारा यहाँ पे करना होगा। तो ये जो हमारा लीनियर लेआउट है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, नीचे वाला लीनियर लेआउट को आप लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, ये वाला यहाँ से आप लोग यहाँ से कॉपी करेंगे इस तरीके से, और जितना आप लोगों को चाहिए वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे आप लोगों को 3 करके दिखाता हूँ। एक बार मैंने कॉपी पेस्ट क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक होम लिखा हुआ था, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, क्लिक डैश बोर्ड इस तरीके से हम लोग कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को डैशबोर्ड, उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे आइकन भी यहाँ पे इंपोर्ट करना। तो यहाँ पे न्यू, यहाँ पे वेक्टर एसिड, होम पे क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड इस तरीके से ओके पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों हम लोग चेंज कर लेंगे डैशबोर्ड इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से ये हमारा डैशबोर्ड भी आ गया। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग एक बार और यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे के अंदर, जितना आप लोग चाहते हैं, मान लीजिए आप लोग 5-6 चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक होम लिखा हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रोफाइल दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग प्रोफाइल दे देते हैं प्रोफाइल। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी यहाँ पे प्रोफाइल का आइकन हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, तो वेक्टर एसिड। तो यहाँ पे आप लोग अकाउंट सर्च करेंगे तो इस तरीके का आएगा, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल लिख देते हैं अकाउंट को हटा के इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग 34 dp कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिनिश बटन पे यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल वाला को इंपोर्ट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमारा प्रोफाइल हो गया। एक और हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि दोस्तों हमारा एप्लीकेशन लॉग आउट करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लॉग आउट लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्लिक लॉग आउट इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉग आउट, यहाँ पे लॉग आउट। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे लॉग आउट वाला आइकन भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉबल के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग वेक्टर एसिड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे एग्जिट कुछ सर्च करते हैं, देखते हैं आइकन है कि नहीं। तो ये एग्जिट ऐप लिखा हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देंगे लॉग आउट, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉग आउट दे रहा हूँ, तो लॉग आउट। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिनिश बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेंगे।
लॉग आउट, इस तरीके से आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये भी हमारा ये जो दूसरा लेआउट था ये भी हम लोगों का यहाँ पे डिजाइन हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे और भी चाहते हैं तो ये जो लीनियर लेआउट मैंने आप लोगों को बताया इसको दोस्तों आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना कि यहाँ पे ऑन क्लिक वाला टेक्स्ट को चेंज करना है और यहाँ पे दोस्तों आप लोग टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज करेंगे और यहाँ पे आइकन चेंज करेंगे। ये तीन चीज़ आप लोगों को चेंज करना और जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो ये दोस्तों काम होने के बाद सीधा हम लोग जाएंगे आप दोस्तों एक्टिविटी मैन के अंदर। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को सारा काम करना होगा। तो ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है पहले इसको हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखें कंटेंट लेआउट है तो यहाँ पे हम लोग चेंज करके इसको हम लोग ड्रॉवर लेआउट के अंदर दोस्तों हम लोग कर लेंगे। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और आप लोगों को करना है, इसको आईडी देना है। तो इसको हम लोग आईडी दे देंगे ड्रॉवर लेआउट, इस तरीके से हम लोग इसको आईडी दे देंगे। ये हमारा हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर ही हम लोगों को यहाँ पे सारा काम करना है। इसके अंदर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक लीनियर लेआउट को यहाँ पे बनाया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने इसका जो हाइट वीट है मैच पर अरेंजमेंट पर ओरिएंटेशन इसको हम लोगों ने वर्टिकल दिया और इसके अंदर दोस्तों एक लेआउट इंक्लूड किया जो कि दोस्तों हम लोगों ने ये टूल बार लेआउट बनाया था। ये दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया हम लोग इसके अंदर, इस लीनियर लेआउट के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक नीचे टेक्स्ट व्यू भी बनाया जिसके अंदर दोस्तों होम लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे होम लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस लीनियर लेआउट के बाहर जाएंगे और दोस्तों यहाँ पे एक और हम लोग रिलेटिव लेआउट बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस रिलेटिव लेआउट के अंदर यहाँ पे इसका जो विड्थ है दोस्तों यहाँ पे आप लोग 300 डीपी देंगे, जितना आप लोग खोलना चाहते हैं उतना देंगे। मैं यहाँ पे 300 डीपी तक खोलना चाहता हूँ तो यहाँ पे 300 डीपी देंगे। हाइट मैच पैरेंट लेआउट ग्रेविटी स्टार्ट बैकग्राउंड यहाँ पे व्हाइट कलर का दे देंगे। इंक्लूड यहाँ पे नेप ड्रॉवर लेआउट को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। ये वाला लेआउट जो हम लोगों ने बनाया इसको दोस्तों हम लोग इस रिलेटिव लेआउट के अंदर दोस्तों हम लोग इसको इंक्लूड कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा मेन एक्टिविटी का भी यहाँ पे दोस्तों हमारा काम हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग सीधा काम करते हैं मेन एक्टिविटी यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर चलते हैं जावा कोड के अंदर। यहाँ पे ही दोस्तों हम लोगों को सारा काम अब करना होगा। सबसे पहले दोस्तों होम एक्टिविटी में जाएंगे। ये जो हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे नेप ड्रॉवर के अंदर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये पहले हम लोगों को यहाँ पर होम एक्टिविटी के अंदर ये जो हम लोगों ने मेन एक्टिविटी के अंदर ड्रॉवर लेआउट का यूज किया था इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस एग्जाम्पल को यहाँ पे हम लोग दोस्तों अपने मेन एक्टिविटी के साथ कनेक्ट करेंगे। इसको करने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे सबसे टॉप में जैसे आप लोग करते हैं ड्रॉवर लेआउट, इसका नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ड्रॉवर लेआउट ही दे देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे जैसे करते थे ड्रॉवर लेआउट फाइंड व्यू बाय आईडी इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी यहाँ पे ड्रॉवर लेआउट इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर देंगे। तो ये दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या करते हैं तो अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे आप लोग टूल बार लेआउट के अंदर आएंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एक इमेज व्यू बनाया था हम लोग जो कि हमारा ये वाला मेनू आइकन है। तो इस पर अगर कोई क्लिक करे तो ये जो हमारा मेनू आइकन है ये दोस्तों हमारा जो नेविगेशन ड्रॉवर है वो खुल के आया। तो इसको करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे हम लोग बना लेंगे पब्लिक इस तरीके से। दोस्तों हम लोग मेथड बना लेंगे जिस पे क्लिक करने के बाद क्लिक मेनू जो हमारा है वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखें तो इसका भी नाम हम लोगों ने क्लिक मेनू यहाँ पे ऑन क्लिक में क्लिक मेनू रखा था। तो इसको और इसको आप लोग यहाँ पे सेम देंगे ताकि दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो इसको आप लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे ठीक रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आ गया। अब दोस्तों इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को वो ड्रॉवर को ओपन करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाएंगे ओपन ड्रॉवर और इसके अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे ये ड्रॉवर लेआउट इस तरीके से ड्रॉवर लेआउट और इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये कह रहा है कि ये मेथड बनाने के लिए तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट मेथड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे मेथड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा काम हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को करना है ड्रॉवर लेआउट डॉट ओपन ड्रॉवर ये वाला, इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को करना ग्रेविटी, ये ग्रेविटी कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट इस तरीके से आप लोग कर देंगे तो यहाँ पर आपका ड्रॉवर जो है ओपन हो जाएगा। तो ये ड्रॉवर ओपन हो गया मतलब दोस्तों ये जो हमारा था नेविगेशन ड्रॉवर ये ओपन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, अगर दोस्तों यहाँ पे हमारा क्लिक हो जाए इस आइकन पे क्लिक हो जाए तो क्लिक लोगों पे, अगर लोगों पे कोई क्लिक कर दे तो ये ड्रॉवर क्लोज हो जाए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया ओपन ड्रॉवर करने के लिए। फिर उसी तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसका हम लोगों को नाम देना है पब्लिक वॉइड और यहाँ पे हम लोगों को करना है क्लिक लोगो, जो आप लोगों ने वहाँ पे किया होगा वही करना है यहाँ ना, नहीं तो एरर आएगा। नाम में आप लोगों मिसपेज नहीं करेंगे।
तो इस तरीके से ये हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोगों को वहाँ पे क्लोज करना है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग करेंगे क्लोज क्लोज ड्रॉवर। यहाँ पे फिर ड्रॉवर लेआउट को हम लोग वहाँ पे जैसे ऊपर में पास के यहाँ पर भी पास कर देंगे ड्रॉवर लेआउट, और इसका भी एक मेथड हम लोग यहाँ पे नीचे में बना लेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट मेथड इस तरीके से, और इसके अंदर भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये चेक कर लेंगे कि दोस्तों ये जो हमारा ड्रॉवर है पहले से ओपन है कि नहीं, अगर ओपन है तो ही क्लोज करें वरना नहीं करें। तो हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन के लगा के हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे ड्रॉवर लेआउट डॉट इज ड्रॉवर ओपन, अगर ये ड्रॉवर ओपन है तो ही दोस्तों ये हमारा काम करे वरना ना करे। तो इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इस तरीके से करना, यहाँ पे इसके अंदर ग्रेविटी कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट इस तरीके से हम लोगों को पेस्ट कर देना, ये यहाँ पे ये इस तरीके से टाइप कर देना। अगर ये ओपन है तो ड्रॉवर ओपन है तो क्लोज कर दो। तो यहाँ पे हम लोग वो कोड करेंगे ड्रॉवर लेआउट डॉट क्लोज ड्रॉवर, यहाँ पे ग्रेविटी ग्रेविटी कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो ये भी हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा, ये ओपन और क्लोज का हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब सबसे नीचे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, अगर एप्लीकेशन को यहाँ पे बैक में दे दिया ऑन पुश एक्टिव ऑन पुश में चला गया है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ड्रॉवर जो है वो क्लोज हो जाए। तो ओपन ड्रॉवर इस तरीके से करेंगे, और इसके अंदर दोस्तों हम लोग ड्रॉवर ऑन पुश यहाँ पे आप लोग करेंगे ऑन पुश, इसके अंदर दोस्तों आप लोग ड्रॉवर को क्लोज कर देंगे यहाँ पे क्लोज ड्रॉवर क्लोज ड्रॉवर, और इसके अंदर ड्रॉवर लेआउट इस तरीके से हम लोग यहाँ पर भी कर देंगे। तो ये भी दोस्तों अगर एप्लीकेशन को यहाँ पर जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड में चला जाता है तो वहाँ पे हम उस टाइम दोस्तों हमारा जो है ड्रॉवर वो क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों ऊपर आते हैं यहाँ पे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया ये सबको हम लोगों को पब्लिक स्टैटिक बनाना है ताकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे दूसरे एक्टिविटी में भी इसको यूज़ कर पाए। जितने भी मेथड आप लोगों ने बनाया है इसको आप लोगों को पब्लिक स्टैटिक बनाना है इस तरीके पब्लिक स्टैटिक, ताकि दोस्तों हम लोग दूसरे में यहाँ पे कॉल कर पाए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये सारा पब्लिक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं दोस्तों, जैसे ही यह होम पे क्लिक करें, जैसे लोग यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉवर ओपन करो होम पे क्लिक कर दे तो ये जो हमारा मेन एक्टिविटी है ये फिर से रिक्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग वही मेथड बनाएंगे पब्लिक पब्लिक वॉइड, यहाँ पे हम लोगों ने देख लेते इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था, यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्लिक होम है तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्लिक होम, और इसको हम लोग इस तरीके से कर देंगे व्यू इस तरीके से, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग रिक्रिएट कर देंगे रिक्रिएट इस तरीके से। दोस्तों हमारा जो होम एक्टिविटी है ये रिक्रिएट हो जाएगा अगर यहाँ पे होम पे क्लिक करता है। अब दोस्तों ये तीन बस जाता है हमारा डैशबोर्ड और प्रोफाइल, तो यहाँ पे उससे पहले दोस्तों हम लोग दो एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। पैकेज नेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों एक्टिविटी पर चले गए, यहाँ पर दोस्तों हम लोग एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसका नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ डैशबोर्ड एक्टिविटी डैशबोर्ड एक्टिविटी, इसको हम लोग फिनिश कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे फिर से एक नया एक्टिविटी बनाते हैं प्रोफाइल के लिए, तो यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल प्रोफाइल एक्टिविटी इसको हम लोग यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये भी एक्टिविटी हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रोफाइल भी हमारा बन गया और यहाँ पे दोस्तों डैशबोर्ड भी बन गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर, यहाँ पे सबसे नीचे में हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक टाइप का, जो कि दोस्तों हमारा जो सारे एक्टिविटी पे हमारा रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिडायरेक्ट एक्टिविटी, और इस तरीके से हम लोग कर देंगे। इसके अंदर दोस्तों हम लोग लेंगे वैल्यू एक्टिविटी और एक्टिविटी इसका नाम रखेंगे और इसके कॉमा लगा के, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्लास और कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो एक क्लास यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। दोस्तों इसके अंदर हम लोग इंटेंट का कोड बनाएंगे जिसके मदद से दोस्तों हम लोग सारे एक्टिविटी को इधर से उधर करवा सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को ये कोड लिखना है इंटेंट इंटेंट न्यू इंटेंट एक्टिविटी ए क्लास, ये आप लोगों को पास कर देना, इंटेंट सेट फ्लैग ये आप लोगों को यहाँ पे कर देना और एक्टिविटी को स्टार्ट कर देना। अब दोस्तों इस मेथड की मदद से हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी को पास करेंगे और दोस्तों यहाँ पे सारे को यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं पब्लिक वॉइड, पहले हम लोग डैशबोर्ड के लिए कर देते हैं, यहाँ पे इसका हम लोग नाम देख लेते हैं डैशबोर्ड का हम लोगों ने क्या रखा था, यहाँ पे सॉरी ये जो हमारा नेव ड्रॉवर लेआउट है इसके अंदर होगा। तो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लिक डैशबोर्ड है तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं और चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे क्लिक डैशबोर्ड इस तरीके से, इसके अंदर दोस्तों हम लोग इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे रिडायरेक्ट एक्टिविटी
रिडायरेक्ट एक्टिविटी, इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को एक्टिविटी पास करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्क, उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्लास पास करना है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डैशबोर्ड एक्टिविटी, डैशबोर्ड एक्टिविटी डॉट क्लास, इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एक्टिविटी को हम लोग रिडायरेक्ट करते थे, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी हो गया, एक्टिविटी कौन सा, ये मेन एक्टिविटी, डिस मतलब ये मेन एक्टिविटी से डैशबोर्ड एक्टिविटी में आप लोग लेके जाइए, इस कोड का मतलब यही हो गया। अब इसी तरीके से दोस्तों हम लोग प्रोफाइल के लिए भी कर देंगे पब्लिक वॉइड वॉइड, और यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे हम लोगों ने नाम क्या रखा था वो देख लेते हैं, तो प्रोफाइल है तो यहाँ पे क्लिक प्रोफाइल है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर वही काम व्यू व्यू, इस तरीके से हो गया। अब इसके इसके अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये कोड को हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, इस तरीके से ये हो गया। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये डैशबोर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल एक्टिविटी कर देंगे, प्रोफाइल एक्टिविटी डॉट क्लास, इस तरीके से भी हमारा काम हो गया। अब दोस्तों ये हमारा जो कोड है ये हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दोस्तों एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो कि दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे लॉग आउट के लिए यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे हम लोग अलर्ट डायलॉग शो कर देंगे जिस पे यस और नो पे क्लिक करके हमारा एप्लीकेशन से एग्जिट हो सके। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग वो मेथड बनाते हैं, मैं बना के रखा हूँ यहाँ पे, मैं कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके नीचे आप लोगों को यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे ये जो देखेंगे ये जो कोड है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये दोस्तों हमारा लॉग आउट के लिए, अगर लॉग आउट पे कोई क्लिक करता है यहाँ पे, आप लोग देखेंगे लॉग आउट, यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेंगे, यहाँ पे मैंने क्या रखा था लॉग आउट के लिए, क्लिक लॉग आउट, तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, और यहाँ पे जो भी आप लोगों ने रखा होगा ये आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्लिक लॉग आउट, अगर ये लॉग आउट पे कोई क्लिक करता है तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, यस पे करता है तो ये आप लोग यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे बना चुका हूँ, तो आप लोग वो अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों आप लोग ये कोड कर लीजिएगा तो दोस्तों आप लोगों का लॉग आउट वाला यहाँ पे काम करने लगेगा। मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, तो आप लोग देख के यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये लॉग आउट वाला हमारा यहाँ पे सारा सिस्टम हो गया, अगर यस पे क्लिक करता है तो एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाएगा और एप्लीकेशन यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो मेन एक्टिविटी का काम था वो कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप हम लोग चलते हैं दोस्तों डैशबोर्ड एक्टिविटी के अंदर, डैशबोर्ड पर यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे दोस्तों डैशबोर्ड पहले लेआउट के अंदर चलेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों को वही काम करना है, जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को ड्रॉवर लेआउट कर देना है, जो कि दोस्तों हम लोगों ने मेन एक्टिविटी में जैसे किया था, तो वो उसी तरीके से दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉवर लेआउट, इसको भी आई डी वही दे देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मेन एक्टिविटी से, ये जो हमारा मेन एक्टिविटी का लेआउट है, इससे दोस्तों हम लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सिंपल रहेगा, ड्रॉवर लेआउट इस तरीके से यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पे एक्टिविटी स्लैश ड्रॉबल के अंदर यहाँ पे आके हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये हो गया, फिर से मेन एक्टिविटी में चलते हैं, यहाँ पे जितने आप लोगों ने यहाँ पे नीचे कोड किया था वो सारे को यहाँ से आप लोग कॉपी करेंगे, यहाँ से रिलेटिव लेआउट तक आप लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे और यहाँ पे नीचे में आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर देना इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे उसी तरीके का यहाँ पे लेआउट जनरेट होके आ चुका है, यहाँ पे होम लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड लिख देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा इस तरीके से आ गया। इसी कोड को दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल वाले एक्टिविटी के अंदर भी करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल के अंदर चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं स्प्लिट करते हैं और यहाँ पे नीचे में पहले पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से, तो और यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल कर देंगे प्रोफाइल, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं ऊपर, और यहाँ पे दोस्तों आईडी हम लोग यहाँ पे पहले इसको हम लोग चेंज करते हैं कंस्टेंट लेआउट को ड्रॉवर लेआउट, इसको आईडी हम लोग पास कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्रॉवर के अंदर भी इस तरीके से कर देंगे, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग प्रोफाइल के अंदर भी कर देंगे, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारा काम हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलते हैं डैशबोर्ड एक्टिविटी के अंदर, सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने वो जो बनाया था ड्रॉवर वाला, यहाँ पे ड्रॉवर लेआउट वाला, इसको हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट भी कर लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल है दोस्तों, मेन एक्टिविटी वाले कोड को हम लोगों को यहाँ पे कॉल करना है, तो मैन ड्रॉवर लेआउट इस तरीके से कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग मेन एक्टिविटी वाले में जितने भी कॉल किया था यहाँ पे सिंपल है उसको कॉल करते जाएंगे। यहाँ पे चलते हैं मेन एक्टिविटी वाले के अंदर, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको कॉपी करते हैं, सबसे पहले कॉपी, उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पर हम लोग इसके नीचे हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो इसको समझ में नहीं आएगा कॉप एंड ड्रॉवर कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एरर दे रहा है, और यहाँ पे ऑल्ट इंसर्ट प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा इंपोर्ट आ जाएगा मेन एक्टिविटी वाले से।
तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एरर नहीं देगा। अब इसी तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे सारे को कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों मैं यहाँ पे सारे को यहाँ पे लिख लिया हूँ क्लिक लोगो। अगर लोगो पे क्लिक करें तो मैन एक्टिविटी में जो हम लोगों ने लोगो वाला कोड किया था वो चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों होम पे क्लिक करें तो मैन एक्टिविटी में जो रिडायरेक्ट वाला हम लोगों ने कोड किया था वो चल जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे रिक्रिएट पे क्लिक करें तो ये जो हमारा डैशबोर्ड है वो रिक्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग मेन एक्टिविटी के अंदर होम को यहाँ पे रिक्रिएट किया था, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने होम पे रिक्रिएट किया था और यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड को रिक्रिएट कर रहे हैं और होम वाले को हम लोग मेन एक्टिविटी पे भेज रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों वो जो कोड हम लोगों ने मेन एक्टिविटी में किया था वही सेम हम लोगों को करना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से हम लोग फिर से यहाँ पे इसको सारे को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और हम लोग चलेंगे प्रोफाइल एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे सारा आ जाएगा। सबसे टॉप पे चलते हैं पहले और यहाँ पे हम लोग ड्रॉवर लेआउट इस तरीके से हम लोग बना देंगे तो यहाँ से एरर हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो हम लोग कर रहे हैं तो ये हम लोगों को प्रोफाइल के अंदर भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे सारा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग अगर कोई प्रोफाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग रिक्रिएट कर देंगे। इसको कंट्रोल एक्स से कट करते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लोग रिक्रिएट कर देंगे इस तरीके से। और ये जो डैशबोर्ड पे कोई क्लिक करे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा डैशबोर्ड एक्टिविटी पे चले जाए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल है तो यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड कर देते हैं डैशबोर्ड एक्टिविटी। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा सारा कोड हो गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पे वैल्यू के अंदर, यहाँ पे थीम के अंदर, थीम डॉट एक्सएमएल के अंदर और यहाँ पे नो एक्शन बार हम लोग कर देते हैं नो एक्शन बार। और यहाँ पर भी हम लोग नाइट वाले के अंदर भी नो एक्शन बार कर देंगे नो एक्शन बार। अब दोस्तों एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, देखते हैं दोस्तों ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होकर आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा होम हो गया। डैशबोर्ड पे चलेंगे तो डैशबोर्ड एक्टिविटी पे चले जाएंगे, प्रोफाइल पे चलेंगे तो प्रोफाइल पे चले जाएंगे और दोस्तों होम पे जाएंगे फिर से होम पे चले जाएंगे। और दोस्तों इसको हम लोग ऑन पुश में देंगे, यहाँ पर आप अभी आप लोग देखें इसको मैं खोल देता हूँ और ऑन पुश में देता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये भी हम लोगों ने कोड किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ एरर है जो कि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे मैं नो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों इस आइकन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये लॉग आउट हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यस पे क्लिक कर देंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय।